इन बुजुर्गों को नहीं मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का ऐलान कर सकते हैं सीएम। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 10 से कम बच्चों की संख्या वाले सरकारी स्कूलों में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती नहीं होगी। 8000 पदों की भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश में बुधवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने के लिए कम से कम 5वीं पास होने चाहिए। पंचायत सचिव से स्कूल से घर की दूरी का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। एसडीएम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी मल्टीटास्क वर्करों का चयन करेगी। स्थानीय लोगों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। सादे कागज पर प्रार्थना पत्र और आवश्यक प्रमाण पत्रों का आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी या जिला उपनिदेशक के पास होगा। आयकर चुकाने वाले बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस महीने से वृद्धावस्था पेंशन में 1000 रुपए देने का सरकार ने फैसला लिया है। बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इस बजट घोषणा की संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2010 के अपात्रता नियम 6 के तहत उपनियम 5 लागू कर दिया है। सरकारी सेवा की पेंशन लेने वाले दंपत्ति भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के हकदार नहीं होंगे। प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस महीने से 1000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने की अधिसूचना 8 अप्रैल को जारी की थी। हिमाचल प्रदेश में मलेरिया के मच्छर गर्म मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ अब सोलन, शिमला और कंडाघाट के ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में भी पनपना शुरू हो गए हैं। पर्यावरण में लगातार आ रहे बदलाव के चलते मच्छर के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो गया है। सोलन के कंडाघाट, दाड़ाघाट, अर्की, शिमला के शोघी, तारादेवी, जुंगा और बिलासपुर में मच्छर साल के 8 महीने पैदा हो सकते हैं और लंबे समय तक जिंदा भी रह सकते हैं। इसका खुलासा हाल ही में हुए एक परीक्षण में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने मलेरिया को लेकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे किया। इसमें पाया कि ठंडे क्षेत्रों में भी मलेरिया के मच्छर पैदा हो रहे हैं। सोलन स्थिति ना मंडी बेहतरीन कार्य करने के लिए देश भर में मंडियों में अव्वल रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पुरस्कार 2019 के लिए सोलन मंडी का बेहतरीन व्यवस्था के लिए चयन किया है। ये पुरस्कार सिविल सर्विस दिवस पर 21 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया जाना है। पुरस्कार स्वरूप मंडी को 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। सोलन मंडी ने वर्ष 2019-20 में 91,928 क्विंटल उत्पाद की बिक्री की और कुल 44,89,47,500 रुपये का कारोबार किया। इस कारोबार से क्षेत्र के कुल 1,512 किसानों को सीधा लाभ मिला। भाजपा के एक के बाद एक झटके झेलने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा को झटका दिया है। बुधवार को दिल्ली में हिमाचल प्रदेश भाजपा के करीब एक दर्जन नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और हिमाचल प्रदेश पार्टी प्रभारी दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में कसौली के रहने वाले एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हरमेल धीमान, कसौली पंचायत समिति सदस्य जगदीश पवार, कसौली भाजपा मंडल अध्यक्ष देवराज ठाकुर समेत करीब एक दर्जन भाजपा समर्थक आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। हिमाचल दिवस पर 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बड़े ऐलान कर सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जहां पॉलिसी की घोषणा कर सकते हैं तो वहीं संशोधित वेतनमान का कर्मचारियों को एरियर देने का भी ऐलान कर सकते हैं। चुनावी साल में सीएम ये दोनों ही बड़े ऐलान कर सकते हैं। इस बार हिमाचल दिवस समारोह चंबा के चौगान मैदान में मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि होंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि भावी शिक्षकों को हिमाचल के दूरदराज क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जैसे क्षेत्रों में सेवाएं देने की चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौकरी मिलने के अगले दिन से ही बहुत से शिक्षक घर के नजदीक स्टेशन होना शुरू कर देते हैं। उनका कहना होता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, ऐसे हालात का तो हर किसी को सामना करना पड़ता है। इस मानसिकता को छोड़े शिक्षा मंत्री धर्मशाला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षु अध्यापकों के अंतर जिला खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोल रहे थे। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 23 आवश्यक दवाओं के कीमतों में संशोधन किया है। इनमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गी, सूजन, बुखार, फ्लू, वर्टिगो और दर्द निवारक दवाइयां सहित अन्य दवाइयां भी शामिल हैं। दवा नियामक ने कीमतों में संशोधन औषधि आदेश 2013 के तहत किया है। एनपीपीए द्वारा उपनिदेशक पी दास के हवाले से जारी अधिसूचना में 23 अनुसूचित दवाओं की कीमतों में फेरबदल किया गया है। इनमें से कुछ दवाओं की खुदरा कीमत तय की गई है जबकि कुछ कीमतों में कटौती की गई है।
बताते चले कि एनपीपी औषधि आदेश 2013 के तहत अनुसूची एक में शामिल आवश्यक दवाओं का अधिकतम मूल्य तय किया गया है। जो दवाएं मूल्य निर्धारण के तहत नहीं आती हैं, उनके निर्माताओं को सालाना 10% खुदरा मूल्य बढ़ाने की अनुमति है। जिला बिलासपुर में बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लिकर ने भारत माता की प्रतिमा का अनावरण और इस स्मारक का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया। राज्यपाल ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों की याद में हर जिला में युद्ध स्मारक बनाए जाने चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके और हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त कर सकें। हमारे वीर जवान सीमाओं की रक्षा करते हैं और हर समय समर्पण भाव के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिस कारण इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन संभव हो पाता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आगामी 23 अप्रैल को कांगड़ा आएंगे। इस दौरान वे रोड शो के बजाय जनसभा करेंगे। कांगड़ा आने की पुष्टि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कल्याण भंडारी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य अमन गुलेरिया ने की है। उन्होंने बताया कि इस दिन वे जनसभा को संबोधित करेंगे। 6 अप्रैल को मंडी के सफल दौरे के बाद वे अरविंद केजरीवाल का हिमाचल में दूसरा दौरा है। माना जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब कांगड़ा जिला में भी चुनावी शंखनाद कर भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ। न्यूज सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।